सो हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कोलैब वीडियो विद पोके हाउस ब्रो के साथ। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम दोनों की कोलैब वीडियो में टॉप 10 मिस्ट्रीज ऑफ पोकेमोन फ्रॉम जनरेशन 1 मतलब कैंटो वाला रीजन की मिस्ट्रीज। तो गाइस पोके हाउस के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो गाइस मेरा नाम है पोके हाउस और आज मैं पोकियोरा के चैनल पर उनके साथ कोलैब करने। तो सबसे पहले थैंक्स पोकियोरा को जिन्होंने मुझे कोलैब के लिए इनवाइट किया और आप हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोकेमोन की जन 1 की कुछ मिस्ट्रीज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब जो सबसे सो गाइस आज की हमारी जो पहली मिस्ट्री है वो है कि क्या पोकेमोन वर्ल्ड में एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कई सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है कि जो कभी काऊ बनता है और ये देखिए ये बैनर में दिखाया गया एक डॉग है जो चल रहा है पोकेमोन के साथ। और फिर तीसरा ये एस और मिस्ट्री जो क्रैप खा रहे हैं ये भी एक जानवर ही है। गाइस ये भी एक मिस्ट्री है कि क्या पोकेमोन वर्ल्ड में एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। अब गाइस मिस्ट्री नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मिस्ट्री है वो है कि पोकेमोन वर्ल्ड में जो लोग होते हैं वो क्या पोकेमोन को खा जाते हैं, क्योंकि हमें एक बार पोकेमोन के एक एपिसोड में दिखाया गया था जिधर जेम्स कह रहा था कि इस मैजिक आर्ट को खा नहीं सकते या ऐसे कुछ कह रहा था, या फिर वो म्याउथ भी सोच रहा था कि इस मैजिक आर्ट को खा जाते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसको खा गए, मतलब कि खाते हैं लोग, पर आज तक हमें कभी ये दिखाया नहीं गया कि लोग पोकेमोन को खाते हैं। लेकिन एक एपिसोड में दिखाया गया था जिधर एश और ब्रोक मीट खा रहे थे, तो शायद वो पोकेमोन कंपनी से गलती हो गई, उनको मतलब वो तब भूल गए। गाइस अब नेक्स्ट मिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्ट्री है कि क्या पोकेमोन ट्रेनर 6 से ज़्यादा पोकेमोन रख सकते हैं एक बार कि नहीं। गाइस इसके लिए आप एक एपिसोड है सीजन 1 का एपिसोड 11 जिसमें एक डैमियन नाम का लड़का रहता है, उसका जो चार्मेंडर एस के पास जाता है तो उसके पास दिखाते हैं कि टेबल में 6 से ज़्यादा पोकेबॉल्स रखी है, तो क्या उसके पास 6 से ज़्यादा पोकेमोन ले लेता है वो। गाइस ये भी एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और अब जो अगली थ्योरी है वो है कि पोकेमोन में जो एनिमी थी उधर पैलेट टाउन के बाकी दो ट्रेनर्स कौन थे। कुछ लोग कहते रेड और ग्रीन थे जो बल्बसोर और चार्मेंडर के ट्रेनर्स थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो डेमिन और मेलनी थे। डेमिन जो चार्मेंडर का ट्रेनर था उसने फिर ऐश के पास आ गया था उसका चार्मेंडर, और मेलनी ने अपना बल्बसोर ऐश को दिया था। तो मेरे हिसाब से डेमिन और मेलनी वाली थ्योरी सही है, क्योंकि उन दोनों को हमने पोकेमोन लीग में भी नहीं दिखाया गया था। प्रोफेसर ओक ने कहा था कि उन दोनों ने हार मान दी है और उनको पोकेमोन लीग में भी नहीं दिखाया गया था, तो शायद ये हो सकते ये दो ट्रेनर्स। गाइज हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है मिस्टीरियस ड्रैगनाइट। आपने ये वाला एपिसोड तो देखा ही होगा जिसका नाम था मिस्ट्री ऑफ द लाइट हाउस, जिसमें बताते हैं जो विल रहता है कहता है यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगनाइट रहता है, उसको दिखाते इस इमेज में भी देख सकते हैं वो लाइट हाउस से भी बड़ा है। इतना बड़ा कोई ड्रैगनाइट तो नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं हो सकता, ये काफ़ी बड़ा था, क्या ये कोई घोस्ट वोस्ट तो नहीं था। और गाइज इसका फिर हमें कभी कोई भी एपिसोड में जिक्र नहीं किया गया कि इसका क्या हुआ, बस उसी एपिसोड में कि बहुत बड़ा से ड्रैगनाइट है। गाइज ये भी मिस्ट्री है। अगली थ्योरी जो मेरी है वो है जीएस बॉल का राज। तो जीएस बॉल के रिगार्डिंग सब लोग कहते हैं कि इसमें सेल भी है, लेकिन हमें पोकेमोन मूवी फॉरएवर में दिखाया गया था कि सेल भी जो है वो उधर है और उसको किसी और पोकेबॉल में कैच कर जा रहा था वो जो सेल भी मूवी का विलन था। पर फिर भी मेरे हिसाब से उसमें शायद कोई पोकेमोन ही ना है, या फिर हो भी सकता है कि कोई पोकेमोन होए, और अभी तक तो जीएस बॉल कट के पास और वो उसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए, और अभी भी उसको सॉल्व करने में लगी। अब मेरी जो नेक्स्ट मिस्ट्री है वो है कि पोकेमोन के एपिसोड 2 में आपने देखा ही होगा जिसमें जब प्रोफेसर ओक से एस फोन बूथ में कॉल करता है, तब उसके पहले एस को एक बैनर दिखाई देता है जिसमें 4 लेजेंडरी पोकेमोन्स बने रहते हैं, जिसमें है मॉल्ट्रेस, आर्टिक्यूनो और जेपडॉस, और उसमें 4th में जो आखिरी में था वो था आर्के 9। तो क्या आर्के 9 भी पहले लेजेंडरी पोकेमोन में था, ये भी एक मिस्ट्री है तो गाइस जो कि अभी सॉल्व नहीं हुई है। शायद ये क्या पोकेमोन वाले चाहते थे कि आर्के 9 पहले एक लेजेंडरी पोकेमोन बना हो, फिर उनका एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया हो तो हटा दिया आर्के 9 को। तो गाइस अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, तो ये भी मिस्ट्री में आता है। वही कि गैरी के पास अलग बैचेस कैसे थे, तो वो शायद कास और यास्टिन के थे जो हमें दिखाए गए थे एपिसोड में पोकेमोन के ओरिजिनल सीरीज में,
शायद तब तक ऐश, जब उसके बाद ऐश के जाने के बाद वो ऑफिशियल जिम बन गए, उनको लाइसेंस मिल गया, गैरी ने वहां से बैच जीत लिए हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। या फिर तो पोकेमोन कंपनी जानबूझकर ऐश से आगे गैरी को दिखाना चाहती थी, क्योंकि गैरी ऐश का राइवल था और वो उसको आगे दिखाना चाहती थी। और हमें ऐसा बहुत बार दिखाया गया था कि वो ऐश को गैरी से पीछे दिखाते थे। अब जो हमारी 9th मिस्ट्री है वो है कि क्रिस्टल ऑनिक्स वाली मिस्ट्री, जो आपने ऑरेंज आइलैंड वाले सीजन में एक एपिसोड में देखा होगा, जिसमें हमें क्रिस्टल ऑनिक्स दिखाया जाता है, वो वाटर में रहता है और वहीं एक गुफा में, एक वाटर में, और जिसमें ऑनिक्स रॉक टाइप है और वाटर टाइप से वीक है, जब वाटर टाइप जीत जाते, पर वो ऑनिक्स वाटर में ही रहता था जबकि वो रॉक टाइप पोकेमोन है। तो ये मिस्ट्री है कि, और वो इस तरह भी नहीं था कि उसे और अलोलन ऑनिक्स बोले, इस तरह जैसे अलोला में अलग फॉर्म हो गए हैं, कई सारे गलार में रीजन में अलग फॉर्म हो गए हैं, उस समय तो ये था भी नहीं ऑरेंज कि ऑरेंजियन ऑनिक्स कह दे। तो गाइज ये भी मिस्ट्री अभी तक बनी है कि वो पानी में कैसे रह ले रहा था, शायद उसके पास एबिलिटी हो पानी में रहने की, गाइस पता नहीं, पर मिस्ट्री में आता है। अब जो मेरी आखिरी थ्योरी आज के दिन की वो है कि एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जाइंट एलकाजम यंग और जिग्लीपफ थे, तो कुछ लोग कहते कि वो जिगांटा मैक्स है, और हो भी सकते क्योंकि उनके शरीर पर वो अलग अलग सिम्बल्स है जो जिगांटा मैक्स पोकेमोन पे होते हैं, और भी मतलब वो इतने बड़े हो गए थे। या फिर ऐसा कुछ और हो सकता है, वो एक था फॉसिल टाइप से, पता नहीं क्या था, उससे वो बड़े हो गए थे, शायद वो कुछ पोकेमोन कंपनी ईस्टेक टाइप से दिखा रही थी हमें जेनेट का, पर जेनेट का जेन वन में दिखा सकते, ये मतलब कुछ अजीब सा लगता है। तो मेरे हिसाब से वो बस ऐसा ही कुछ था, और बाकी पोकेमोन भी शायद सब पोकेमोन हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये तीन हो गए थे तो शायद बाकी पोकेमोन भी हो सकते हैं, पर अब तक हमें बाकी पोकेमोन का दिखाया नहीं गया। पर हमें अब तक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिगांटा मैक्स पोकेमोन है, कि ये जिगांटा मैक्स हो सकते हैं ये पोकेमोन, क्योंकि इनके शरीर पर वो सिंबल टाइप से जैसे दिख रहे हैं, वो भी हमें जिगांटा मैक्स पोकेमोन पर दिखाए जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पोकियोरे के साथ कोलैब करके, आप हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और होपफुली मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पोकेमोन को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मुझे भी बहुत मजा आया पोके हाउस के साथ कोलैब वीडियो बनाने में, तो थैंक्स पोके हाउस जो आप हमारे चैनल में आए और हमारे साथ कोलैब बनाए। गाइस हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो बता दीजिएगा कमेंट। और गाइस हम इसके हर जन के मिस्ट्रीज वाले एपिसोड्स लाएंगे मिस्ट्री मेनिया में, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ऑसम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हम दोनों के चैनल में बने रहिए, और हम किसी भी चैनल में आ सकता है इसका नेक्स्ट।